हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं किंग ऑफ रीजनिंग के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अगर आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं और रीजनिंग में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी इस प्रॉब्लम को 24 आवर्स के अंदर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं अगले चित्र की तरफ। अगला डायग्राम क्या दे रखा है, देखिए कुछ इस तरीके से दे रखा है हमें। पहले वाले का रिलेशन पूरी तरीके से दूसरे वाले के से, और तीसरे वाले का रिलेशन इन दोनों से आंशिक रूप से। तो देखिए एग्जांपल से समझते हैं। माँ, महिला और वकील, तो सारी माएँ जो हैं वो क्या होंगी, महिला होंगी, ठीक है। और वकील जो है वो इस तरीके से डिनोट होगा। अब कुछ माएँ वकील भी हो सकती हैं और महिलाएं भी वकील हो सकती हैं, और आधा पोर्शन जो ये बाहर रख रखा है वो किस लिए रख रखा है, कि जरूरी नहीं है कि सारी ही महिलाएं वकील हों, पुरुष भी वकील होते हैं, इसलिए इस तरीके से डायग्राम होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, काफ़ी बार पूछे गए हैं इस तरीके के डायग्राम। तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल और क्या बन सकते हैं, भाई पुरुष इंजीनियर, लगभग पहले वाले जैसा ही है। थर्ड जो है पुरुष पिता स्नातक, ये अभी रेलवे 2008 में पूछा गया था, ठीक है। और कैसे डिनोट होगा, ये होगा बड़ा वाला सर्किल पुरुष के लिए, और इसके अंदर आएंगे पिता, और यहां पर आएगा स्नातक, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल दे रखा है बहन, महिला, वकील, बहन आ जाएगी महिला के अंदर और वकील आंशिक रूप से आएगा, ठीक है। फिफ्थ जो है दे रखा है चाचा, धनी और रिश्तेदार, ये भी SSC 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में। किस तरह डिनोट होगा, देखिए जो है ये अंदर वाला पोर्शन चाचा का आएगा, क्योंकि सारे चाचा जो होंगे वो रिश्तेदार होंगे, ठीक है। ये बाहर वाला सर्किल रिश्तेदार का हो गया और ये अंदर वाला आपके चाचा का हो गया, ठीक है। और ये जो बड़ा सर्किल आंशिक रूप से बनेगा वो आपके धनी आ जाएंगे, क्योंकि सारे चाचा तो धनी हो नहीं सकते, आंशिक रूप से होंगे। कुछ धनी भी हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। रिश्तेदारों का भी ऐसा ही है, कुछ धनी होंगे और कुछ नहीं भी होंगे। तो ये नहीं वाला पोर्शन आ गया इस तरीके से, और सारे धनी आपके रिश्तेदार हों या आपके चाचा हों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले डायग्राम की तरफ। अगला डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है, पहले वाले का रिलेशन पूरी तरीके से दूसरे वाले से, लेकिन ये जो डायग्राम है वो इस फर्स्ट वाले से ना होकर के सिर्फ इससे रिलेशन है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे अपन, पहला एग्जाम्पल दे रखा है आपको बेरोजगार, अध्यापक और शिक्षित लोग। तो देखिए सारे जो अध्यापक होंगे वो क्या होंगे, आपके शिक्षित होंगे, ठीक है। और जो बेरोजगार हैं वो अध्यापक नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो अध्यापक होंगे तो वो बेरोजगार नहीं होंगे, लेकिन बेरोजगार जो हैं आधे शिक्षित होते हैं और आधे शिक्षित नहीं होंगे। तो ये जो होगा आपके बाहर वाला बेरोजगार वाला हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल इससे रिलेटेड क्या है, महिला, माँ और बच्चे। तो माँ जो आएगी ये इसके अंदर छोटा जो सर्किल दे रखा है उसके अंदर आएगी, और सारी माएँ क्या होंगी, महिला होंगी। अब बच्चों में क्या होता है कि फीमेल्स भी होते हैं मेल्स भी होते हैं, तो ये बाहर वाला बच्चे को डिनोट करेगा। थर्ड एग्जाम्पल सेकेंड के जैसा ही है, पिता, पुरुष और बच्चे। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, बट क्योंकि इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए इसे बताना जरूरी है। नवा डायग्राम हमारा दे रखा है इस तरीके का, एक सर्किल ये और एक ये और एक ये, ठीक है। क्या डिनोट करता है, पहले वाले का रिलेशन दूसरे वाले से आंशिक रूप से, और जो थर्ड है इन दोनों का रिलेशन इनसे बिल्कुल भी नहीं है। तो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल आपको दे रखा है कुर्सी, स्टील और लोहार। तो क्या होगा, इसको मैंने लिख दिया है कुर्सी, और इसको दे रखा है आपको स्टील, और ये वाला जो है ये लोहार हो जाएगा। कैसे होगा, कुछ कुर्सी जो है स्टील की हो सकती हैं, ठीक है, और लोहार एक अलग ही चीज़ है। सेकंड एग्जांपल आपको दे रखा है तार, तांबा और कागज। कुछ तारे जो हैं वो तांबे की होती हैं और कागज एक अलग ही चीज़ है। पुरुष, डॉक्टर, औजार। तो पुरुष जो हैं, कुछ पुरुष डॉक्टर भी हो सकते हैं, कुछ नहीं भी होंगे, और औजार जो है वो एक अलग ही चीज़ है। चौथा दे रखा है आपको स्तनपाई, मनुष्य और छिपकली। कुछ स्तनपाई क्या हो सकते हैं, मनुष्य हो सकते हैं,
और छिपकली एक अलग ही चीज़ है। तो बढ़ते हैं अगले डायग्राम की तरफ। 10 नंबर का डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे? क्योंकि पहले वाले का रिलेशन दूसरे वाले से तो आंशिक रूप से, लेकिन ये जो बीच वाला जो है सर्किल, वो जो इनका कॉमन पार्ट है, उन दोनों को कवर कर रहा है। तो देखिए एग्जांपल से कैसे समझते हैं इसको। जानवर, गाय और मादा। तो देखिएगा सारे जानवर मादा नहीं होते, तो इसलिए ये वाला जो पोर्शन होगा ये जानवर का हो जाएगा और ये वाला पोर्शन जो होगा वो मादा का हो जाएगा। ठीक है, कुछ जानवर मादा हैं और कुछ मादाएँ जानवर हैं, लेकिन जो गाय है वो एक जानवर भी है और एक मादा भी है। तो दोनों का पार्ट कॉमन है, उसको कौन डिनोट करेगी? गाय। तो जो बीच वाला सर्किल है वो गाय को डिनोट करेगा। इससे रिलेटेड और भी एग्जांपल हैं, वो देखिएगा कौन कौन से होते हैं। पहला तो हमने देख लिया है, सेकंड जो है वो भी इसी तरीके का ही है, पहले से रिलेटेड है, जानवर, नर और बैल। थर्ड जो दे रखा है, हिंदू, लड़का और राम। कैसे? ये जो है फर्स्ट सर्किल हिंदू को डिनोट करेगा और सेकंड जो है ये वाला लड़कों को। ठीक है, सारे हिंदू लड़के नहीं होंगे और सारे लड़के भी हिंदू नहीं होंगे, लेकिन नाम क्या है, एक लड़का भी है और एक हिंदू भी है। फोर्थ जो दे रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है एग्जाम्स में। क्या दे रखा है? जलचर, थलचर और मेंढक। मेंढक जो है वो जलचर भी है और थलचर भी है, तो दोनों का कॉमन पार्ट में आ जाएगा मेंढक। अगले डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर का डायग्राम क्या दे रखा है कि इन दोनों का आंशिक रूप से रिलेशन है और इन दोनों का तीसरे से पूरी तरीके से रिलेशन है। ठीक है, इस तरीके से ये डिनोट करता है। इससे रिलेटेड एग्जांपल क्या बनते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। स्त्री, बहन और माता। तो देखिए डायग्राम में कैसे डिनोट होगा, ये वाला जो सर्किल है इसको मैंने बहन कर दिया है और ये वाला सर्किल जो है ये माता। ठीक है, और ये जो पूरा है ये स्त्री। कुछ बहनें माताएं भी हो सकती हैं और कुछ माताएं बहनें भी हो सकती हैं, और ये दोनों क्या होंगी? स्त्रियाँ होंगी। सेकंड नंबर का एग्जांपल देखिए, भाई, पिता और पुरुष, पहले के जैसा ही है। थर्ड दे रखा है आपको, जानवर, कुत्ता और पालतू। तो ये जो बड़ा सर्किल है इसमें तो आ जाएगा जानवर। ठीक है, और ये जो दो सर्किल है ये होंगे कुत्ता और पालतू। सारे पालतू कुत्ते नहीं होंगे और सारे कुत्ते पालतू नहीं होंगे, दोनों का रिलेशन आंशिक रूप से, लेकिन ये जो भी होंगे वो जानवर के अंदर आएंगे। फोर्थ दे रखा है आपको, पर्वत, जंगल और पृथ्वी। पृथ्वी के लिए ये बड़ा सर्किल हो जाएगा और पर्वत और जंगल के लिए ये दो सर्किल। फिफ्थ दे रखा है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, असामाजिक तत्व, ब्लैकमेल, पॉकेट मार। तो असामाजिक तत्व में क्या आएगा, ये बड़ा सर्किल जो है ये असामाजिक तत्व हो जाएगा। ठीक है, और जो ये दो सर्किल हैं ये पॉकेट मार और ब्लैकमेल। कुछ पॉकेट मार ब्लैकमेलर भी होते हैं और कुछ ब्लैकमेलर पॉकेट मार भी होते हैं, और ये दोनों किसके अंदर आएंगे? असामाजिक तत्वों के अंदर आएंगे। तो देखिएगा ये इस वेन डायग्राम का आखिरी चित्र है, और कैसे बनता है ये। पहले का दूसरे से कोई रिलेशन नहीं रहेगा, लेकिन जो थर्ड वाला है उसका रिलेशन दोनों से आंशिक रूप से है। तो एग्जांपल से इसको कैसे समझेंगे, पुरुष, अध्यापक, महिला। तो ये जो है ये वाला सर्किल होगा पुरुष और ये वाला सर्किल जो होगा वो महिला का। ठीक है, पुरुष और महिला में कोई संबंध नहीं है, अलग अलग दे रखा है, और जो बीच वाला जो ये है ये हो जाएगा अध्यापक का। ठीक है, अध्यापक या तो पुरुष होंगे या फिर महिलाएं होंगी, तो इसलिए इसको बीच में इस तरीके से डिनोट कर देंगे और ये वाला पोर्शन आ जाएगा इसमें। सेकंड एग्जांपल जो देखा है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। तो पंजाब और हरियाणा दोनों अलग अलग स्टेट है, लेकिन चंडीगढ़ क्या है, दोनों की कैपिटल है, तो इसलिए ये वाला तो पंजाब हो जाएगा और ये वाला हरियाणा, और ये बीच में जो आएगा वो चंडीगढ़। थर्ड दे रखा है आपको, पंजाब, पाकिस्तान, भारत। तो पाकिस्तान और भारत दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जो पंजाब वाला पोर्शन है भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। तो फ्रेंड्स, वेन डायग्राम में टाइप सेकंड पे आ गए हम, और टाइप सेकंड देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके का आपको डायग्राम देगा और डायग्राम में आपको क्वेश्चन में देगा कि सर्किल किसको डिनोट करता है, वर्ग जो है वो किसको डिनोट करता है, और ट्राइंगल है किसको डिनोट करता है।
मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया है, सर्किल जो है वो शिक्षित को डिनोट करता है, वर्ग जो है व्यक्ति को, और त्रिभुज जो है बेरोजगार को। और आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वह व्यक्ति जो शिक्षित हैं परंतु बेरोजगार नहीं है, उनका नंबर कौन सा आएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, व्यक्तियों के लिए कौन सा है? वर्ग, ठीक है, और शिक्षित के लिए क्या है? सर्किल। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ऐसे व्यक्ति जो शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगार नहीं है, तो वो कौन से व्यक्ति होगी जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, और इन दोनों के कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है? दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है एसएससी में आया हुआ है, इसमें देखिए नीचे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि जो बड़ा त्रिभुज है ये वाला, इस तरीके से, ठीक है, ये बड़ा पूरा जो ट्रायंगल बन रहा है ये खिलाड़ी को डिनोट कर रहा है, और जो ये आयत है ये किसको डिनोट कर रहा है? कवि को। और छोटा त्रिभुज जो है ये अंदर की तरफ बना हुआ है वो नाटककार को, और जो सर्किल है वो निबंधकार को प्रदर्शित कर रहा है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, कौन सी संख्या उन कवियों को दर्शाती है जो निबंधकार, नाटककार और खिलाड़ी भी हैं? तो देखिए चारों ही पूछ लिए उसने, तो चारों में कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है जो सारे एरिया को कवर कर रहा है, जो सर्किल को भी कवर कर रहा है, आपके रेक्टेंगल को भी, और छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज सबको कवर कर रहा है, तो वो कौन सा हो गया? छः नंबर। देखिएगा ये जो पोर्शन है वो सब चीज़ों को कवर कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्स। तो फ्रेंड्स, इसी डायग्राम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कौन सा है, कौन सी संख्या नाटककार को दर्शाती है जो निबंधकार नहीं है? तो देखिएगा कंडीशन पे हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको कंडीशन क्या दे रखी है कि ऐसे नाटककार जो निबंधकार नहीं है, बाकियों की नहीं पूछा है, बाकी वो हो सकते हैं नाटककार, खिलाड़ी भी हो सकते हैं, कवि भी हो सकते हैं। तो देखिएगा तीन जो ये दे रखे हैं, रेक्टेंगल, स्मॉल ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, इन तीनों का कॉमन नंबर निकालना है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम किससे है? सिर्फ निबंधकार से। तो इन तीनों में जो कॉमन नंबर आ रहा है वो है 8। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8। अब इसी से रिलेटेड आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है, कौन सी संख्या उन कवियों को दर्शाती है जो निबंधकार भी हैं किंतु खिलाड़ी अथवा नाटककार नहीं है? तो देखिएगा कवि के लिए अपने को कौन सा शेप दे रखा है? ये वाला रेक्टेंगल, ठीक है। तो कवि जो कि निबंधकार भी हैं, और निबंधकार के लिए ये सर्किल, ठीक है। अब कंडीशन क्या दी है, किंतु खिलाड़ी अथवा नाटककार नहीं है, तो ऐसा कॉमन पोर्शन देखना है जो इन दोनों ट्रायंगल से तो बाहर है लेकिन सर्किल में आ रहा है, तो वो नंबर कौन सा आ गया? 5 नंबर ये है, और इसका आंसर हो जाएगा 5। तो फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड देखिए एक और क्वेश्चन बन रहा है, कौन सी संख्याएँ केवल खिलाड़ी को दर्शाती हैं जो ना केवल कवि हैं, ना नाटककार हैं, और ना ही निबंधकार हैं? तो खिलाड़ी के लिए देखिए बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है, तो ऐसे खिलाड़ियों के लिए पूछ रहा है जो ना तो कवि हैं, ना ही क्या है, निबंधकार है, और ना ही नाटककार हैं। तो ऐसे में देखिएगा ये 1 नंबर आ रहा है, ये किसी में भी कॉमन नहीं है, अलग ही दिखा रहा है, और एक ये 3 नंबर आ रहा है, ये भी किसी को भी कॉमन नहीं आ रहा है, अलग से आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, बी आंसर हो जाएगा इसका। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे ले आया मैं आपके पास में। एक लास्ट क्वेश्चन और ये भी बनता है, कौन सी संख्याएं केवल कवि को दर्शाती है जो ना खिलाड़ी है, ना निबंधकार है, और ना ही नाटककार है? तो वही वाला पैटर्न लगेगा जो पहले लगा था, कि आपको वो कवि ढूंढने जिसमें ना तो खिलाड़ी वाला पोर्शन आएगा, ना निबंधकार वाला, और ना ही नाटककार वाला। तो कवि के लिए दे रखा है आपको ये रेक्टेंगल। अब इसमें देखिएगा दोनों में आउटसाइड में आपको एक तो 2 नंबर दे रखा है, ठीक है, और एक दे रखा है आपको 4 नंबर। ये 2 और 4 जो पोर्शन है ये किसी में भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4, आंसर ए। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं हम। देखिए ये सर्किल जो है शहरी को डिनोट कर रहा है, ट्रायंगल जो है शिक्षित को, और ये जो वर्ग दे रखा है वो कठोर परिश्रमी, ठीक है। इसमें आपको दे रखे रोमन नंबर्स में दे रखे हैं, 1st, 2nd, 3rd, और ये 4th, 5th, 6th, 7 तक दे रखे नंबर। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि भाई ऐसे व्यक्ति जो केवल परिश्रमी, केवल शहरी तथा केवल शिक्षित को दर्शाता है, तीनों कंडीशन उसने पूछ लिए लेकिन आगे केवल केवल लगा है। तो आपको देखिए ऑप्शन भी कुछ इसी तरीके के देखें, 1st+ 2nd+ 3rd, 1st, 5th और 7th, 1st, 6th और 7th। तो आपको देखिए इसमें वो पोर्शन देखना है जो सिर्फ केवल वालों को दर्शाता है, तो ये जो फर्स्ट पोर्शन है ये सिर्फ केवल शिक्षित को दर्शा रहा है, ठीक है। सर्किल में अगर मैं देखूंगा तो केवल शहरी के लिए 7th नंबर दर्शा रहा है, और कठोर परिश्रमी में केवल कठोर परिश्रमी के लिए ये जो है ये 6th डिनोट कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1st+ 6th+ 7th। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए,
और इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।